राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अब सियासत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने रक्षा सौदों में घोटाले से देश की सुरक्षा से समझौता किया, तो कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट उचित फोरम नहीं है। जुबानी जंग अब जमीन पर उतर रही है। कल बीजेपी देश भर में 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राफेल पर राजनीति के लिए कांग्रेस को घेरेगी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है, तो केंद्र सरकार ने रफाल पर सुप्रीम कोर्ट से फैसले में सुधार की अपील की है। सरकार ने दावा किया है कि उसने कोर्ट में यह भी कभी नहीं कहा कि कैग ने रिपोर्ट पीएसी को सौंपी है, तो सवाल कि क्या रफाल पर झूठ से अपने रक्षा घोटाले छुपा रही है कांग्रेस। इसी सवाल के साथ इस वक्त बड़ी बहस रफाल की राजनीति से, इस वक्त की बहस इन सवालों के साथ, और काफी महत्वपूर्ण है सभी सवाल। अपने रक्षा घोटाले छिपाने के लिए राहुल ने बोला रफाल झूठ, क्या रफाल पर झूठ से अपने रक्षा घोटाले छुपा रही है कांग्रेस, क्या कांग्रेस ने घोटालों से देश की सुरक्षा में सेंध लगाई है, सुप्रीम कोर्ट के शुद्धिकरण से धुलेंगे कांग्रेस के रफाल वाले पाप, ये तमाम अहम सवाल जो अब उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या महागठबंधन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल है लेकिन राहुल को नामंजूर है, आखिर ऐसा क्यों। ये तमाम सवाल अब इस राजनीति, इस सियासत जो रफाल मामले पर हो रही है उस पर उठ रही है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हम यहां पर शामिल हैं। और यहां पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, चारू प्रज्ञा हमारे साथ होंगी जो कि नेता बीजेपी की, साथ ही अब्दुल रजाक हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ होंगे आरजेडी के प्रवक्ता, कर्नल रिटायर्ड शैलेश राय डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर इससे डिफेंस को किस तरीके से चोट पहुंच रही है। आभा सिंह सामाजिक कार्यकर्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगी। कांग्रेस से तो सवाल उठ रहे हैं लेकिन एक सवाल कांग्रेस आपसे भी पूछ रही है, और ये कि क्या आपने कोर्ट को गुमराह किया है इस मामले पर, क्या कुछ चीजें छुपाई गई हैं। शिरीन, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस की ना पुरानी आदत है तिल का ताड़ बनाना। ये एक बहुत छोटा सा क्लेरिकल मिस्टेक है, बहुत छोटा सा एक मिसप्रिंट है, कुछ मिसकम्युनिकेशन है जिसको करेक्ट करने के लिए हमारी सरकार ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दी है। तो कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर सरकार के पास कुछ छुपाने को होता वो अपने आप एक एफिडेविट क्यों फाइल करके ये बोलेगी कि यहाँ पर एक क्लेरिकल एरर हो गया है, एक फैक्चुअल मिस्टेक आपने जजमेंट में नोट कर दी है और आप उसको करेक्ट कर दीजिए। दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ गलती हुई है तो प्रेस में जाकर हल्ला मचाकर माहौल बनाने की क्या जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर इंटरवीन क्यों नहीं करते, जो इनके पास फैक्ट्स हैं वो कोर्ट में क्यों नहीं सबमिट करते। अब्दुल रजाक, क्या आपने घोटाले छिपाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है कांग्रेस? देखिए, सिंपल सी एक सेंटेंस है, अरे छोड़ो मत मारो। अब अगर उसी सेंटेंस को इस तरीके से पेश किया जाए, अरे छोड़ो मत मारो, देखिए एक ही सेंटेंस है, मतलब ऑटोमेटिक उसका बदल जाता है। ये केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बात रखी है हकीकत में सब में प्राइम बात वही है। देखिए, तीन चीजों पर हमको खुलासा चाहिए था। एक प्रोसेस, कि आपने क्या प्रोसेस इख्तियार किया जब तक ये लड़ाकू विमान खरीदने की बात की थी, दूसरी बात थी प्राइसिंग, और तीसरी बात थी ऑफसेट पार्टनर। जब बात प्राइसिंग पे आती है तो आपको सीएजी की रिपोर्ट पीएसी के सामने पेश करनी थी, जिसके चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो अगर अप्रूवल देते हैं तो तब जाकर के आपकी डील फाइनलाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो ये प्रोसीजर फॉलो नहीं की। कितने पैसों में लेने वाली बात थी हकीकत, जनवरी 30 2012 में यूपीए सरकार लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला लेती है, 13 मार्च 2014 एचएएल के साथ वर्कशेयर अग्रीमेंट फाइनलाइज होता है, साइन होता है 570 करोड़ में। एक लड़ाकू विमान रफाल विमान 570 करोड़ में लेने की बात होती है। 18 नवंबर 2016 पार्लियामेंट में यह बात बोली जाती है कि 1670 करोड़ के करीब इस एक लड़ाकू विमान को खरीदा जा रहा है, 36 लड़ाकू विमान का ऑर्डर हम दे चुके हैं। तो बात यही आकर रुकती है कि जो एयरक्राफ्ट, जो लड़ाकू विमान 570 करोड़ में आप खरीद सकते थे उसको 1670 करोड़ में क्यों खरीदा। दूसरी बात, आपने पीछे के दरवाजे से अनिल अंबानी को यह डील क्यों दी, जबकि 68 अथॉरिटी उस कंपनी के पास थी, डिसॉल्ट के पास थी, डिसॉल्ट ने यह तय किया है कि आखिर किसको ऑफसेट पार्टनर चुना जाए, ये तो क्लियर है।
और एचएल पर जिस तरीके से आप बात कह रहे हैं, सुन लीजिए, एचएल पर जब आप सवाल उठा रहे हैं, एचएल को लेकर तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी सवाल उठा चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि क्षमता नहीं थी। मैं शिरीन, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, जब प्राइसिंग के ऊपर बात स्पष्ट हो जाएगी तो आप अपने दोस्त के जेब में 30,000 करोड़ रुपए जो डाले हैं वो बात तो सामने आ जाएगी। अब्दुल रजाक खान जी, मैं आपको दो पॉइंट्स पे वापस क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि आप फैक्चुअली गलत बात बता रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो भी यहां पर ऑफसेट पार्टनर्स इंडिया में चुने गए हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। या तो अब आप ऑन रिकॉर्ड ये बोलिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। दूसरी बात यह है, जो आप 30,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये करीब 70 कंपनीज को ऑफसेट बांटा गया है। 70 कंपनीज में से एक है रिलायंस, जिसके पास सिर्फ 3% गया है, सिर्फ 3% 30,000 करोड़ का। तो जब कांग्रेस 30,000 करोड़ बार बार बोलती है, आप पब्लिक को, आप यहां जी न्यूज के व्यूअर्स को गुमराह करने का काम कर रहे हो, आप फैक्चुअली गलत बात बता रहे हो। तीसरी बात यह है, जब आप नई कंपनी की बात करते हो, मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि यह कोई नई कंपनी नहीं है, यह एक पुरानी कंपनी थी। इनफैक्ट भारत की सबसे पुरानी वॉरशिप्स बनाने की कंपनी को रिलायंस ने टेक ओवर करके रीनेम करा था। तो आप इस फैक्ट को भी आप करेक्टली बताइए। उसके बाद शिरीन, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ना बस परेशान या गलतियां ढूंढने का काम है। अगर इस बार ये ईवीएम पे शिकायत नहीं कर पाए, ये सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाकर बैठे हैं। लेकिन चारू प्रज्ञा, अगर ये एरर नहीं होता, शायद इस सवाल उठाने का मौका नहीं मिलता, मुझे लगा। मैं शिरीन वही आपको बोल रही हूँ, इट्स अ क्लेरिकल एरर, मौका मिल गया दरअसल। एक क्लेरिकल एरर है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया है। और अगर कांग्रेस अपने आप को इतना सही रोशनी में देखना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों नहीं करती करके। हाँ बोलिए अब्दुल रजाक, जल्दी से अपनी बात। फ्रैंक हॉलैंड, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, उन्होंने स्पष्ट किया था कि हिंदुस्तान की सरकार थी जिसने डसॉल्ट के ऊपर दबाव डाला था कि ये डील रिलायंस को दिया जाए। फिर और डसॉल्ट का सीईओ ने आकर ऑन रिकॉर्ड कुछ और आपको बोला है। एक बात और है, मैं ये बोलना नहीं चाहती नेशनल टेलीविजन पर, लेकिन हमें मालूम है पूर्व राष्ट्रपति जो फ्रांस के थे, उनकी लीनिंग किस तरफ जाती है और वो किसको सपोर्ट करते हैं। एक बात आप और ध्यान में रखिए, वो कुर्सी से उतर कर ये स्टेटमेंट दिए हैं। ये भी कहा है कि हम किसी के परसेप्शन के आधार पर नहीं कर सकते, कांग्रेस के ऊपर डाल देते हैं। कोई नहीं, हम कहीं फंसे नहीं है, नहीं हो सकती। कांग्रेस तो बस मुद्दा ढूंढने पर चली रही है, मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, और भी पैनलिस्ट है मेरे पास, आ रहे हो अब्दुल रजाक। प्राइसिंग पर भी मैं आपको जवाब देती हूँ जब शिरीन मुझे बोलने का मौका देंगी। आपको मौका दूंगी। मृत्युंजय तिवारी, इस मामले में आपका क्या स्टैंड है, मुझे ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट तो ये साफ कर चुका है कि संदेह का कोई आधार ही नहीं है जिसके लिए अब इसको जांच के दायरे में लाया जाए, फिर आखिर कांग्रेस को इतनी दिक्कत हो क्यों रही है? नहीं, देखिए, इसमें सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो पेश रखे किए गए तथ्य है, उसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के सामने गलत तथ्य अगर आप रखेंगे न्यायालय के सामने, तो वो उस पर क्या फैसला दे सकते हैं? इसे लेकर तो अलफनामा दाखिल कर दिया है ना, सही है कि सीएजी की बैठक, वो कह रहे हैं क्लरिकल एरर है, उससे क्लियर कर दिया जाएगा। उसमें तो जो भारतीय, मैं एफिडेविट से पढ़कर इनको सुना सकती हूँ, ये शायद एफिडेविट पढ़कर नहीं आए हैं। आपकी चर्चा पर उनको सुन लेते हैं पहले। विपक्ष के जी बोलिए। नहीं नहीं, मृत्युंजय जी आपसे ही बोल रही हूँ, वो रखिए अपनी बात पूरी करिए। हेलो जी, अपनी बात पूरी करिए। हेलो जी, तो इसमें विपक्ष के नेता, लोक लेखा समिति में, सदन में विपक्ष के नेता होते हैं इसके चेयरमैन, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद भूपेंद्र यादव जी ने भी कहा है कि इसका बैठक ही नहीं हुआ था। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कैसे कह दिए कि लोक लेखा समिति के बाद जो है ये कहा ही नहीं गया है, ये कहा ही नहीं गया है। देखिए, हम आपको यही बता रहे हैं, आपने शायद एफिडेविट नहीं पढ़ी है सरकार की, ये कहा ही नहीं गया है।
सील्ड ऑनवलोप में जो कागज दिए गए थे उसमें कैग रिपोर्ट को रेफर करा गया था, ये नहीं कहा है कि वो पीएससी को सबमिट कर दी गई है। इस बात को आप अगर एफिडेविट को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि एक हैज बीन और इज का कंफ्यूजन हो गया है। अगर मैं आपको अंग्रेजी में बताती हूँ, इज का रिप्लेसमेंट कर दिया गया हैज बीन से, जिससे मायना बदल गया है, उसके लिए भी क्लैरिफिकेटरी एप्लीकेशन डाल दी गई है। आभा सिंह भी है मेरे साथ, वकील हैं, एडवोकेट हैं। आभा सिंह जी, ये एक टेक्निकल टर्म ऐसा है कोर्ट का, मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर इसे किस तरीके से समझा जाए और अब इस पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो वो किस तरह से जायज है। कि मैं तो कहूंगी पूरा ऑर्डर ही गलत हो जाता है अगर सुप्रीम कोर्ट ये पढ़ के दे रहा है कि वो जेपीसी ने देख लिए और अब ये टेक्निकल एरर कह के उसमें एफिडेविट लगा रहे हैं, तो ये पूरा ऑर्डर ही इम्प्यून्ड हो जाता है, पूरा गलत हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्स ही आपने सुप्रीम कोर्ट को गलत दिए। मैं तो कहूंगी इस पे जिस अगर लीगल डिपार्टमेंट में गलत दिया है उनके ऊपर परजरी का मुकदमा दायर होना चाहिए। ये कोर्ट का चहरी है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप इज और हैज बीन की वजह से आपने पूरा मामला बदल दिया। और परजरी का मुकदमा कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थकों पे नहीं तो मैं यही सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहूंगी कि बहुत केसेस मीडिया से आए हैं। देखिए बिल्कुल ये इस तरह नहीं कह सकते कि क्लरिकल एरर था। सुप्रीम कोर्ट में हम भी कागज लाते हैं, हम 20 बार पढ़ के लाते हैं। एक इज हैज बीन की बहुत माने होती है और पूरा जजमेंट अगर बदल जाए तो वो जजमेंट ही गलत है। और मैं हैरान हूं कि वही चीफ जस्टिस है जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे और आज कह रहे हैं कि मीडिया में तो मीडिया के परसेप्शन से हम इंक्वायरी नहीं ऑर्डर कर सकते। क्या होता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन? नहीं, बिल्कुल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आप फैक्ट्स को इंक्वायरी कराइए ना। आप ये कहिए कि मीडिया ने पनामा लीक्स आउट किया, मीडिया ने बोफोर्स आउट किया, तो आप मीडिया पे ही आज उंगली उठा रहे हैं। आज जुडिशियरी कह रही है मीडिया के ऊपर हम नहीं चल सकते। आप तथ्य पे जाइए ना। अगर 500 में जा रहा है, पूरा जजमेंट है जो उस पर सवाल उठ रहे हैं, आपका ये कहने का मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस टेक्निकल एरर को बिल्कुल नहीं की। क्या ये सोची? आप आभा जी से पूछिए, एक्सप्लेन करेंगी आभा जी, आप एक्सप्लेन करेंगी दोनों चीजों में फर्क क्या है? टैग ने देख लिया? नहीं नहीं, ये तो आप एक्सप्लेन करिए ना, आप इसको सिंप्लीफाई करके बताइए। आप भी अभी रिटोरिक्स में ही बात कर रही है, मैं आपको एफिडेविट से पढ़कर बता रही हूँ। अगर सरकार के पास कुछ छुपाने को होता तो सरकार ऑन रिकॉर्ड क्यों जाती? सिंपल सा सवाल है, अगर कुछ छुपाने को होता तो ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट क्यों नहीं फाइल जाता? नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कह रहे हैं हम कुछ नहीं बताएंगे। हम आप कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी और आप राजनीति के नाम पर नेशनल सिक्योरिटी को ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। बताइए सुरक्षा से आप सवाल आउट करिए। आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे करप्शन को नहीं दबा सकते। हम भी कह चुका है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप रेट देंगे ना, नहीं करना होगा जो आपके लिए राजनीति नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप देश के प्रजातंत्र खत्म कर दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हम नहीं देंगे, इससे तो प्रजातंत्र खतरे में आता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल है, हर चीज पर आप सवाल उठाते हैं। आपके पास तथ्य है नहीं, तो बस आउट ऑफ नोवेयर रिकॉर्ड क्रिएट करके बस बोलते चले जाते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू आरटीआई को आप खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन पे जा रहे हैं। अलेश राय जी, आप कौन सी काल्पनिक दुनिया की बात कर रहे हैं? आभा जी, रुकिए, क्या आप आंतरिक सुरक्षा की हो रही है ना, तो शैलेश राय जी मेरे साथ हैं, इस वक्त जो है एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। शैलेश राय सर, इसे किस तरह से समझा जाए? जैसे कि आभा कह रही हैं कि आप ये कहकर चीजों को छुपा नहीं सकते कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, कोर्ट ने कहा कि दायरे हैं और उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता, हमारे अधिकार क्षेत्र से भी बाहर हैं कई चीजें, क्या अगर इन चीजों को पब्लिकली रखा जाएगा तो क्या सुरक्षा पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर यह सेंध नहीं है, सवाल नहीं उठेगा? देखिए दो चीजें हैं, डेफिनेटली कुछ एस्पेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिनको अगर हम ओपन पटल पे रखें तो उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है, जैसे जो उसका इक्विपमेंट प्रोफाइल है या जो वेपन्स उसके साथ आए हैं। और जब आप प्राइसिंग को ओपनली डिक्लेयर करते हैं तो इनवेरेबली ये सब चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो यहाँ पे एक कुछ लॉजिक तो गवर्नमेंट के पास है। बाकी जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन कोर्ट ने इनसे बंद लिफाफे में कुछ डिटेल्स मांगे थे और हम इस अजम्पशन पे चलेंगे कि भाई सरकार को ने जो रेलिवेंट डिटेल्स थे वो कोर्ट को दिए थे और कोर्ट ने उसी आधार पर फैसला किया है। ऑल्दो जो कोर्ट का फैसला है उसमें दो तीन चीज़ें काफ़ी क्लियरली उभर के आ रही हैं, जिसमें पहली चीज़ तो ये कि कोर्ट ने एक इनडायरेक्टली ही ये बोला है कि शायद ये मामला कोर्ट तक आना ही नहीं चाहिए था, तो इसमें थोड़ा पॉलिटिसाइजेशन इसके लिए दोषी है, क्योंकि
यानी कि सीधे तौर पर ही कहा जा सकता है कि राजनीति इस मामले में ज्यादा हो रही है, कोई केस लड़ते हैं। बिल्कुल शिरीन, इसमें दो चीजें और कोर्ट ने बहुत साफ लिखी है। पहली बात, प्रोसेस पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट को गलत चीज नहीं दिख रही, और दूसरी बात, यहाँ पर ऑफसेट पार्टनर्स चूज करने में भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट को गलती नहीं दिख रही, और ये दोनों बहुत बड़ी बातें हैं। ठीक है, खुद कई घोटाले देश को दे चुकी कांग्रेस, अब रफाल मामले पर जमकर सियासत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल भी खड़े कर रही है, और बीजेपी की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रही है, और इसी को लेकर हम बहस भी कर रहे हैं। अब्दुल रज्जाक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप ये कह रहे थे, सवाल बीजेपी पर उठा रहे थे, ठीक है, सवाल उठाना जायज है, राजनीति का एक हिस्सा भी है, लेकिन एक ऐसी पार्टी अगर सवाल उठा रही है जो खुद ही घोटालों से घिरी हुई है, तो ऐसे में उस पर सवाल क्यों ना उठे कि भाई आप अपने घोटाले छुपाने के लिए क्या इस तरीके से इस मामले को उठा रहे हैं? मैं आपको 2014 से पहले ले जाना चाहता हूं, जहां पर बीजेपी ने अपने इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर कितने जीरो लगा दिए थे, हर घोटाले को कांग्रेस से जोड़ा था और पता नहीं कितने घोटाले बताए थे। सिंपल सी एक बात कहता हूँ, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जिसको कहा गया था कि एशिया का सबसे बड़ा स्कैम है, दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है, इससे बड़ा स्कैम कोई नहीं है, 2,00,000 करोड़ रुपए इसमें घोटाला किए गए हैं, क्या क्या बातें नहीं कही गई थी, आज कहाँ है, क्या हुआ 2G स्पेक्ट्रम स्कैम का? सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, चलिए प्राइस करेंगे, प्राइस की आप बात कर रहे थे ना, एक सेकंड अब्दुल रज़ाक, सिर्फ एक घोटाला, आपको और नहीं याद क्या कांग्रेस के टाइम पे कौन कौन से घोटाले हुए हैं? मैं याद दिला दूं आपको, अगर नहीं याद है तो, कांग्रेस के टाइम पर सिर्फ एक घोटाले का जिक्र कर रहे हैं आप। 4.5 साल शिरीन, 4.5 साल ये हुकूमत में रहे। अरे आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो फिर पहले उसकी बात कर लीजिए, 4.5 साल के बाद उसके बात करेंगे। सिर्फ मुझे बताइए, मैं वही कह रहा हूँ, घोटाले तो सिर्फ बीजेपी के कहने वाली बातें हैं ना, अगर सही में घोटाले हुए हैं तो कहाँ है? नहीं, अच्छा, कांग्रेस की छवि एकदम साफ है, इनको फोर्स तो हुआ ही नहीं, खान साहब मान लेते हैं, कांग्रेस का वेस्टलैंड भी हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, घोटाला, ये तमाम घोटाले, ठीक है, मतलब मैं पूरी लिस्ट है, लेकिन चलिए उस पर नहीं जाते क्योंकि बात हम आज जिसकी कर रहे हैं उस पर कर लेते हैं। अगर आप मुझे मौका दे प्राइस पर जवाब देना चाहती हूँ, ठीक है, ठीक जी, तो आप जिस प्राइस की बात कर रहे हैं खान साहब, आपको मैं एक 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 डिफरेंस बताती हूं, जो कांग्रेस ने, सबसे पहली बात तो कांग्रेस इस डील को फाइनलाइज कर ही नहीं पाई, 2007 से 2014 तक वो कुछ डिसीजन ले ही नहीं पाई, ना इधर ना उधर, तो एक इतनी इंडिसिसाइज से वो सरकार थी, जब हमारी वायुसेना को विमानों की जरूरत थी वो तब भी कोई डिसीजन ले नहीं पाई। दूसरी बात, यहां पर जिन विमानों की डील कांग्रेस ने करने की कोशिश करी थी, वो विमान बन के आते फ्लाई अवे कंडीशन में नहीं थे, इंडिया में आके मैन्युफैक्चर या तो होता या वहां से बनकर आते, वो जो भी सिचुएशन थी, आज जो एनडीए सरकार ने विमान खरीदे हैं ये सारे के सारे फ्लाई अवे कंडीशन में है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस। उसके अलावा आप जब प्राइसेस पर आते हैं, हर डिफेंस एक्सपर्ट ने ये बोला है कि दूसरे देशों की जो सेना है वो प्राइस देखकर अंदाजा लगा सकती है इस एयरक्राफ्ट में लोडिंग क्या क्या हुई है, बिना लोडिंग के जो एयरक्राफ्ट होता है, बिना वेपन के जो एयरक्राफ्ट होता है, वो एक बैलगाड़ी के बराबर है, ये खान साहब भी जानते हैं। लेकिन अगर हम प्राइस की इतनी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में सबको देखने के लिए दे देंगे, तो क्या विदेशी देशों को ये समझ में नहीं आएगा कि हमने इसमें क्या क्या मिसाइल लगाई है, क्या हमने डिफेंस सिस्टम को अपलोड किया है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी है? आप अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी एक पॉलिटिकल इशू पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। एक सवाल और मेरा, ये बताइए, ठीक है आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने गुमराह कर दिया, तो कोर्ट को जाकर आप सही चीजें बता दीजिए ना, आप कह रहे हैं हम तो कोर्ट में गए ही नहीं, कोर्ट नहीं जा सकते, चीजें आपके पास अगर कांग्रेस के पास अगर तमाम एविडेंस है तो फिर वो सामने रखिए ना। अच्छा, और श्री ने एक और बहुत जरूरी बात है, 9% टोटल प्राइस 9% से घटा है, टेकिंग इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन। सेकंड चारू सुन, प्रशांत भूषण गए हैं, ML शर्मा गए हैं, ये इंडिपेंडेंट लॉयर्स हैं, ये कोर्ट अप्रोच किए हैं, आप कहाँ हैं? सवाल तो हुकूमत ने, कोर्ट, केंद्र सरकार ने कोर्ट को मिसलीड किया है। अरे तो आप लीड कर दीजिए ना, आप बता दीजिए, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, एक मिनट तो मेरी बात सुनिए, आप अपने पेपर्स लेकर निकलिए तो सही, ऐसे खाली हाथ अगर आरोप लगाएंगे तो सवाल क्यों नहीं उठाऊंगी मैं? क्या है, अगर आप केस देती हैं मैं केस देता हूँ, बात तो ये की है, जब तक दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ, देखिए पहले तो CAG रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, जनवरी एंड तक आएगी,
फेडरल ऑडिटर इसको एग्जिट कॉन्फ्रेंस करके डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने पेश करेंगे। देखिए जब फैक्चुअल बातें होती है तब मजा आता है और तब आरोप बहुत ज्यादा पुख्ता भी लगते हैं। मैं कंप्लेंट दूं, आप कंप्लेंट दी, मैं केस फाइल करूं, आप केस फाइल करें, बात तो सेम है। नहीं कैसे हो गई, क्यों है सेम, कैसे सवाल शान भूषण को उठाने दीजिए ना, कांग्रेस को तो आप क्यों उठा रहे हैं, ओपनली जाना चाहिए, हकीकत सामने लाना है देश के सामने। अभी भी हमने देश के सामने हकीकत लाना है, फाइल करी है उसके उसके लिए भी आप मीडिया में हल्ला मचा सकते हैं, आप कोर्ट क्यों नहीं जा सकते ये बताओ। और आज तो आपने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़ा कर दिया, आज आप ये बोल रहे हो आप सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं करते। टाइपो एरर एक लेटर से हो सकता है, एक सेंटेंस से नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के वापस जजमेंट का इंतजार करिए, टाइपो एरर एक लेटर हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक बोलते हैं। खान साहब हर बात में आपकी सेंटेंस में बोल रही हूँ, आप क्यों नहीं कोर्ट मूव करते, आप मान लीजिए कि आपने मिसलीड किया है कोर्ट को, मैं इस पर वो बोल रही हूँ, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते जी, ठीक है हमको गाइडलाइन दी जाती है एज अ लॉयर, जब कोर्ट मामला सुन ही रही है तो कोई और जाकर एक और केस डालने की जरूरत क्या है, कि अगर मिसस्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट है तो एंटायर जजमेंट इज टू बी रिकंसिडर्ड, ओनली स्पेलिंग अरिथमेटिक एंड टाइपोग्राफिकल एरर कैन बी करेक्टेड, इफ अ ग्रेव मिसस्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट हैज टेकन प्लेस देन द एंटायर जजमेंट हैज टू बी रिकंसिडर्ड। लेकिन इससे कोर्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है क्या, हाई कोर्ट में केसेस ले जाते हैं तो ये टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है, ठीक है, मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, और मुझे हैरानी है कि वो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हम नहीं डिस्कस करेंगे, करप्शन पे हमारा अधिकार है फैक्ट्स जानने का, कल तो कोई भी टेंडर पास होगा आप कहेंगे कि हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट है। आबा जी मैं वकील के तौर पर आपसे जानना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए, सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, मैं पूरा टाइम आपको दूंगी। आप ठीक है आप कह रही है एरर है और बहुत बड़ी गलती है, मैं मान लेती हूं, लेकिन क्या इससे कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएंगे ये सियासी पार्टियां, सर्वोच्च न्यायालय है, हम तो उसके आदेश पर चलते हैं पूरा देश, इसमें विश्वसनीयता की बात नहीं हो रही है, वही तो कर रहे हैं फैक्ट्स की, वही तो कर रहे हैं, बात हो रही है जस्टिस की, बात हो रही है जस्टिस की, अगर आपने फैक्ट्स कोर्ट को मिसगाइड किया है तो ये बात नहीं, ये आप कैसे बोल सकते हैं, आप ये कैसे बोल सकते हैं जब सरकार ने कहा है, जब सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा है कि ये एनवेलप में जो सबमिट किया गया था उसका टाइपिंग एरर हुआ है, एक एक आज जेपीसी, आज जेपीसी कह रही हमारे पास आया नहीं, आज अरे श्री टाइपिंग एरर तो एक लेटर का हो सकता है, पहली बात तो आपको पता होगा जेपीसी है ही नहीं अभी तक, और आप जेपीसी बोले जा रहे हो, आप पहले अपना टर्म करेक्ट करिए, जेपीसी कहाँ हुई है, आप सीएजी रिपोर्ट की बात कर रही है, हाँ तो करेक्ट करिए भाई, मिसलीड मत करिए, जेपीसी और सीएजी में बहुत फर्क है, वो हमारा बहुत फर्क है कि क्या जानबूझ के डिले किया गया ताकि 500 रुपए का इजेट जो है 1600 में खरीदा जाए, क्यों डिले किया कांग्रेस सरकार ने, क्यों नहीं साइन किया ये बताइए, वारंटी के उसमें रुके रहिए, बिल्कुल अधिकार है हमारा जानने का क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा नहीं, आप एक आबा जी एक सवाल का जवाब दीजिए, आप जो सवाल पूछ रही हैं उसका काउंटर क्वेश्चन है, 2007 से 14 तक आपने ये डील क्यों नहीं फाइनलाइज करी, अभी दो साल में आप सारे हल्ले मचा रहे हो, अगर आप इतने सही हो 7 साल में आपने क्यों नहीं करा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि सील्ड एनवेलप में जो सबमिट किया गया है उसको रेफर करके आप जजमेंट करेक्ट करिए, तो मिसलीडिंग की बात कहां से आ रही है। चलिए ठीक है, शैलेश राय जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, ये भी सीआरपीसी जजमेंट आबाजी आपके पास आऊंगी, मैं भी वकील हूँ, मैं समझ रही हूँ, सीआरपीसी भी मुझे समझ आती है, ठीक है ना, अब हो गए, मैं आप बिल्कुल वकील हैं, लेकिन आप हमारा अधिकार, हम कह रहे हैं आप नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखिए, लेकिन जो करप्शन का एंगल है, कल तो देश के जितने टेंडर करप्शन का एंगल है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में कैसे आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में कैसे आ सकता है, करप्शन वाला स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया ना, मैडम प्रोसेस में करप्शन हो सकता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, आपके पास आबा मैं आऊंगी, मैं आपके पास भी आऊंगी। शैलेश राय जी सवाल आपसे इसलिए चूंकि इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है, लेकिन इस सियासत का जो केंद्र है वो है देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, क्या इस पर भी सियासत होनी चाहिए, ये सीधे तौर पर हमारी देश की सुरक्षा और साथ ही हमारे सैनिकों के मनोबल पर चोट नहीं है। देखिए सियासतदानों का काम है वो तो करेंगे, मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सियासत हो रही है होती रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एज अ सोल्जर, जो इक्विपमेंट आना था
वो इक्विपमेंट आना चाहिए और उस टाइम फ्रेम में आना चाहिए जिसमें हमें चाहिए था, ठीक है। जो पहले जो डील हुई थी उसमें फ्रेंकली स्पीकिंग वो डील अनइम्प्लीमेंटेबल थी, तो इसलिए जरूर सरकार के पास कोई ना कोई एक रीजन था कि उन्होंने किसी और फॉर्मेट में इस डील को किया। उस जो नई डील बीजेपी सरकार ने की है उसमें भी सवाल आते हैं, अगर सवाल नहीं हुए होते तो शायद सुप्रीम कोर्ट में लोग नहीं गए होते और सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले खुद बीजेपी के नेता हैं अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा। लेकिन मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, देयर आर इश्यूज इन दिस डील, प्राइसिंग इशू है या जो भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो डील हो चुकी है वो डील एग्जीक्यूट होनी चाहिए, जो इक्विपमेंट हमारे पास आना था वो आना चाहिए। मैं वही कह रही हूं सर, सोल्जरिंग पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से पॉलिटिक्स जो चल रही है वो इक्विपमेंट की आमद पे और उसका जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस भी दोषी है, बीजेपी भी दोषी है। यूपीए की सरकार के दौरान जो है डिफेंस डील्स काफी स्लो चली थी, एंटनी साहब जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो अपनी इमेज को लेकर काफी कॉन्शियस रहते थे, कमीशन तय नहीं हो पाई इसीलिए यूपीए ने डील को कंक्लूड नहीं किया, और उसकी वजह यह है कि हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो प्रोसेस है, देखिए मैं किसी पार्टी के विशेष पर नहीं जाना चाहता हूं, देश की सुरक्षा की बात करने वाले हर पढ़ा लिखा इंसान समझता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में कोई करप्शन का स्कोप नहीं है। 12 दिन पुरानी कंपनी को दिया है आपने, बिल्कुल करप्शन का स्कोप होता है, आप गलत बोल रहे हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो या कोई भी कमर्शियल डील हो, आप एक कार ड्राइवर नहीं रखती 12 दिन पुराने, काम है वो जेन्युइन काम है, करप्शन को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता है। पर कोर्ट ने कल ये भी कहा, पर कोर्ट ने ये भी कह दिया ना क्लीन चिट प्रोसेस, कोर्ट ने कल ये भी कह दिया है कि कोई कमर्शियल फेवरेटिज्म इसमें नहीं हुआ है। जिस तरीके से सवाल है आपसे, कोर्ट ने उसमें ध्यान ही नहीं दिया, कह दिया कि हम मीडिया के परसेप्शन पर डिसाइड नहीं करेंगे, फिशिंग और रोविंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने फैक्ट गलत दिखाए ना सुप्रीम कोर्ट को। अरे तो आप रखिए ना फैक्ट अपने, मैं ये बात बार बार कह रही हूं क्योंकि आज की बात की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपनी लेकिन ये अंत नहीं है, अभी जेपीसी मेरा सवाल सिंपल है, कोई अपने घर के कार का ड्राइवर अपॉइंट नहीं करता 12 दिन, आप कोई भी टेंडर दे दीजिए, इलेक्शन ईयर है, आप किसी को अप्लाइज कर दीजिए। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ जो मैंने अभी थोड़े समय पहले कहा, भारत की सबसे पुरानी वॉरशिप मैन्युफैक्चर करने की कंपनी को रीनेम करा गया है, आप मिसलीड मत करिए। क्या मजाक कर रही हैं आप, रिलायंस जो अनिल अंबानी ग्रुप खत्म हो चुका है, आप अपने पॉलिटिकल फेवर्स दे रहे हैं। 284 करोड़ बात बताओ, आप तो नेशनल सिक्योरिटी पर ही नहीं टिक रहे, देश की पुरानी। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ये बात नहीं कह रही है, सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोला है कोई कमर्शियल फेवरेटिज्म नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पता है क्या? सर करप्शन है, चारू प्रकार ये भी मानना होगा, ये भी मानना होगा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक, भले वो चारू जी पूरे मामले को उसने बहुत बड़ा बना कि इसको सियासत में फंसा कर दिया। चलिए माफ करिएगा, बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने माफ करिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो भले ही इस मामले को लेकर अब टाइपो एरर एक इसमें टर्म और जुड़ गया है, लेकिन सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन विपक्षी दल जिस तरीके से अब कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं वो भी बेहद चिंतनीय है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही है।